हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें नीचे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, हमें इनके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसके मल्टीपल्स निकालने हैं नंबर्स के। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है वो बताया था। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा 24। 24 जो हमें एक नंबर दे रखा है, हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं। देखो, वन तो सबका फैक्टर होता है और सेम नंबर भी सबका फैक्टर होता है, ठीक है। वन भी इसका फैक्टर है, 24 का फैक्टर है। तो 1 × 24 = 24। अब आप 24 को जब 2 से डिवाइड करके देखोगे ना, तो आपका आंसर 12 आएगा। इसका मतलब 2 और 12 दोनों के टेबल में 24 आता है, यानी कि 24 2 से और 12 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया 2 × 12। इसी तरीके से 24 को आप 3 से डिवाइड करके देखो तो 8 आएगा, 3 × 8 = 24। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 6 = 24 आएगा। तो इस तरीके से ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा B15। अब 15 1 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी। कोई भी नंबर दे रखा होगा 1, यानी कि 1 तो सबके 1 से देखो आप, ये जो 15 है, आपने हमें भी पीछे 24 देखा तब भी हमने 1 लिखा था, यानी कि 1 तो आपका सबका ही फैक्टर होता है और सेम नंबर भी फैक्टर होता है, यानी कि 2 तो ये फैक्टर्स हमारे बनते ही बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस नंबर से आप कर रहे हो वो तो उसका फैक्टर है ही है, और 1 भी सबका फैक्टर है। उसके अलावा हम देखेंगे 3 और 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 × 5, यानी कि 3 × 5 = 15। तो इसके फैक्टर क्या बने, 1, 3, 5 और 15। ऐसे 21 का देखो, 1 और 21 इसका फैक्टर बनेगा, क्योंकि 1 जो है इसका फैक्टर, 1 सबका फैक्टर होता है और सेम नंबर भी फैक्टर होता है, तो 21 आ गया। और 3 और 7 के टेबल में 21 आता है, 3 × 7 = 21। तो ये हमारा इसके 1, 3, 7 और 21 इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 27 देखो, 27 1 और 27 तो इसका फैक्टर है। अब 27 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 9 है। इसके अलावा किसी और टेबल में 27 नहीं आता, तो क्या फैक्टर हो गए, 1, 3, 9 और 27। 12 का देखेंगे तो 1 और 12 ये तो दो फैक्टर होंगे इसके, उसके अलावा 2 के टेबल में आता है, 2 6 = 3 4 है, ठीक है। अब आप 6 2 लिखो या 2 6 सेम है, यानी कि 1 के टेबल में 1 इसका फैक्टर है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी, 4 में भी, 6 में भी, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। 20 1 × 20 अब 2 के टेबल में 10 पे आता है, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर और 10 भी इसका फैक्टर है। 4 के टेबल पे कितने पे आता है, 5 4 5, यानी कि 4 भी फैक्टर और 5 भी फैक्टर है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 5 10 एंड 20। 18 1 और 18 तो इसका फैक्टर है, ये साथ में 2 9 = 18 और 3 6 है, तो 1 2 3 6 9 और 18 इसके फैक्टर्स हो गए। एच देखो, एच 23 दे रखा है, 23 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर के सिर्फ हमारे 2 ही फैक्टर बन पाते हैं। हमारे जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा है। तो 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 और सेम वही नंबर, क्योंकि 23 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए इसके 2 ही फैक्टर है। तो आपको याद रखना है, जितने भी प्राइम नंबर, जैसे कि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 11 है, 17 है, इस टाइप के जितने भी प्राइम नंबर्स और भी आगे हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनेंगे। 36 हमारे कॉम्पोजिट नंबर है, तो आप 1 और 36 उसका फैक्टर है ये, इसके अलावा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 18 = 3 12 = 4 9 = 6 6 = ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, 36 को पहले 2 से डिवाइड करो तो 18 आंसर आएगा, यानी कि 2 × 18। फिर 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, 3 × 12 = 36, 4 9 = 36, 6 6 = 36। तो ये सारे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, यानी कि एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं आपने करके नीचे नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे 2 बार 6 है तो आपने सिंगल टाइम ही लिखना। तो ये सारे से क्या है, फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो। अब हमें इसके पहले 5 मल्टीपल्स सीखने हैं, तो मल्टीपल्स बहुत इजी है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए, 5 10 15 20 और 25। तो इस तरह से इसके हम 5 मल्टीपल्स लिख देंगे। एक तरह से हमें क्या लिखना होता है, उसका टेबल ही लिखना होता है। ऐसे ही बी में भी हमें फर्स्ट 5 लिखने हैं, तो इसको भी हम फर्स्ट 5 लिखेंगे, 8 1 = 8, 2 = 8, 3 = 8, 4 = 8, 5 = तो सारे इसके क्या आ जाएंगे, ये इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे।
ऐसे ही 9 के लिखेंगे 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा, तो ये सारे इसके क्या हो गए मल्टीपल्स 9, 18, 27, 36 और 45। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैच करना है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2, इनके इसको हमने इससे मैच करना। तो फर्स्ट हमें दे रखा 35 जो है हमें इसमें से बताना है किसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 7, इनके 7 के टेबल में 35 आता है तो 35 7 का मल्टीपल है। 15 क्या है, फैक्टर ऑफ 30। अब 30 का जो फैक्टर है हमारा 15 है, अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे 30 के तो कैसे बनेंगे, पहले तो 1 इंटू 30 बनेगा, उसके बाद 2 इंटू 15 30, तो इनकी 15 क्या आ रहा है 30 का फैक्टर आ रहा है, तो ये इसका होगा। 16 8 का मल्टीपल है, 8 2 जा 16 होता है। 20 जो है वो 20 का फैक्टर है, अगर हम 20 के फैक्टर लिखते हैं तो फर्स्ट 1 इंटू 20 इक्वल 20, तो क्या है 20 क्या है 20 का फैक्टर है, सेम नंबर तो फैक्टर होता ही है। 25, अब 25 भी 50 का फैक्टर आएंगे, 25 इंटू 25 2 अगर करोगे तो क्या आएगा 50 आएगा, तो 25 क्या है 50 का फैक्टर है। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।